कण बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुणी थरे महामेंटर रे शामिल हेबा पई प्रयास करूछंती। कण नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को लालू प्रसाद यादव को पाखो को पठाई थिले जेडीयू आरजेडी मिश्रण प्रस्ताव नै कि आउ कण सतरे राबरी देवी पीके को बाहर कर देथिले। राबरी देवी का मंतव्य ओ यहा को नै पीके का ट्वीट पर ए सब प्रश्न नै बिहार राजनीति एबे सरगरम होई छि। प्रधानमंत्री के घोषणा कर दीजिए। अच्छा, आप पार्टी को मर्जर कर लीजिए। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर हमारा सामने का बात है। हम उनको कहे कि जाइए 10 सर्कुलर रोड पे, मतलब लालू जी से। हाँ, हाँ, ये जरूर में। हाँ, ठीक है। यही हम कहीं यहाँ से जाइए कि नहीं, अब जाइए यहाँ। राबरी देवी को यही मंतव्य पर पुणी आरंभ होइथिबा साक्षात मिश्रण और महामेंट को फेरबार कल्पना जल्पना को नहीं बिहार राजनीति सरगरम होबार लागिछि। शुक्रवार राबरी देवी देते बयान और शनिवार यार कड़ा जवाब देले प्रशांत किशोर आउ लिखिले लालू प्रसाद जेबे चाहिबे मो सहित मीडिया आगरे बसी पारिबे। समस्त को जना पड़ जे मो सहित कौन कथबार्ता होता और किए क्या कौन प्रस्ताव देता। जी सार्वजनिक पद और जनता अर्थर दुरुपयोग कर दोषी अच्छा किंवा अभियोग सामना करुंट से आज सत्यर संरक्षक हो बसी। पीके ट्वीट को नहीं शनिवार पुणी राबरी देवी मीडिया सामना को आसीथिले ओ कहिथिले एबे भी मु पुणी थरे मो बयान उपरे कायम रही छे। ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे कि वही समझा रहे थे, जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री के घोषणा आप कर दीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। एबे शासक दल जेउठि प्रशांत किशोर सपक्ष में रही है सेठी विरोधी राबरी देवी बयान सपक्ष में। कोई प्लानिंग वे भी नहीं है, सच को झूठला नहीं सकता कोई, ये सच है और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। आरजेडी के साथ जेडीयू का मर्जर हमारे लिए आत्महत्या जैसा होगा और हम खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ये बहस जो जनता की मूल समस्याएं हैं, जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटाने भर के लिए। देखिए, लालू जी को मालूम है कि बिना सत्ता के रहना उनको मुश्किल रहता है, तो सत्ता की बेचैनी किधर रहती है वो तो दिखता है। जहां तक उनकी बात है, वो अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में उन्हें जेडीयू से दरकिनार कर दिया गया और ये सब कह करके वो नीतीश जी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। एबे राबरी दाबी रे दम अच्छी कि पीके सफे रे सत्यता अच्छी तो सेमने ही जानिथिबे, किंतु निर्वाचनी ऋतु रे लालू परिवार एही प्रसंग को एबे सार्वजनिक कर देइछन्ति निश्चय, जहाँ को नहीं एबे जोर धरी आलोचना, किंतु एहर राजनीतिक फायदा कहाकू मिलुछे ताहा तो समय ही कहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।